नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विषय के सभी बोर्ड के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर हमेशा बने रहिए। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं अक्षर भारती मराठी इसका 5वां अध्याय व्यायामाचे महत्व इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। आज हम इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। मेरे इस चैनल पर आज जो भी नए विद्यार्थी या नए जो भी रीडर्स व्यूअर्स आए हुए हैं, वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे अगले आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। उम्मीद करती हूँ आप सब ने सब्सक्राइब जरूर से कर लिया होगा। आइए हम स्वाध्याय को शुरू कर देते हैं। व्यायामाचे महत्व यानी कि एक्सरसाइज का महत्व। हमारे जीवन में एक्सरसाइज का कितना महत्व है, ये हमको इस कविता के माध्यम से पता पड़ता है। विद्यार्थियों, इस स्वाध्याय में आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्यायामाचे फायदे दर्शवणारा आकृतिबंध पूर्ण करा, यानी व्यायाम के क्या फायदे होते हैं वो दिखाने वाला आकृतिबंध जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको पूरा कीजिए। उत्तर में 8 पॉइंट लिखेंगे। पहला है, शरीरातला आळस दूर होतो, यानी शरीर में से आलस दूर हो जाता है अगर हम व्यायाम करते हैं तो। दूसरा, अन्न सहज पचते, यानी हम जो भी खाना खाते हैं वो सहज यानी बड़ी इजीली जो है पच जाता है। तीसरा, जड़त्व दूर होते, यानी शरीर का स्थूलपना आलस ये दूर हो जाता है। चौथा, अंगी तरतरी रहते, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, स्फूर्ति बनी रहती है। तरतरी मीन्स स्फूर्ति, किसी भी काम को फुर्ती से करते हैं। फिर पांचवा, रक्त व्यवस्था उत्तम होते, व्यायाम करने से हमारे स्नायु जो है वो तनते हैं, उनमें स्ट्रेच होता है और उसके कारण हमारा रक्त संचार जो है वो बहुत अच्छा होता है, स्नायु सशक्त होता है। और व्यायाम करने से हमारे जो स्नायु होते हैं वे मजबूत भी हो जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं। मानव दीर्घायु हो तो मनुष्य का जीवन, उसकी उम्र बढ़ जाती है, प्रतिकार शक्ति बढ़ते और हमारी प्रतिकार शक्ति मीन्स रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है, इम्यूनिटी पावर जो है आपका वो बढ़ जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और आज के समय में कोरोना काल में हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न दिया आपको, चुप की बरोबर तेलिहा, उसमें पहला प्रश्न था आपका, व्यायाम सर्वांकरता उपयुक्त असतो, वो है बरोबर। दूसरा प्रश्न आपको दिया है, व्यायामाने जड़त्व वाढते, और उसका आंसर है चूक। तीसरा दिया है, व्यायामाने स्नायु अशक्त होतात, तो उसका आंसर है चूक, कारण कि व्यायाम से तो स्नायु कैसे होते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं ना। और ई प्रश्न दिया है, व्यायामाने प्रतिकार शक्ति बढ़ती, यानी व्यायाम करने से प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, बरोबर, सच है। आगे देखते हैं प्रश्न 3, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द चौकटीत लिहा, यानी आपको शब्द समूह दिया हुआ है, यानी एक से ज़्यादा शब्द जो है वो दिए हुए हैं और उनको, उनके लिए आपको एक ही शब्द में वो बात बता देना है। जैसे अ, इसमें हमको दिया है आरोग्य देणारी, तो आरोग्य एक शब्द है और देणारी दूसरा शब्द है। आरोग्य देणारी यानी आरोग्य देने वाला, तो उसको हम एक ही शब्द में लिख सकते हैं, आरोग्यदायी, है ना। तो शब्द समूह के लिए हमने एक शब्द लिखा। दूसरा है, विरोध करण्याची क्षमता असलेली शक्ति, यानी विरोध करने की क्षमता जिसमें होती है वह शक्ति, उसको हम कहते हैं प्रतिकार शक्ति। तो देखिए, हमने 1, 2, 3, 4, 5 शब्दों को एक ही शब्द में बोल दिया, प्रतिकार शक्ति, है ना। ई प्रश्न है, स्वतः ची कामे स्वतः करणारा, ये भी हमको यहाँ पे 4 शब्द दिखाई दे रहे हैं और इसको हमने खुद के काम खुद करने वाला, इसको हमने एक ही शब्द में बता दिया, स्वावलंबी। तो अगर हम स्वावलंबी बोलेंगे तो उसका अर्थ ही है कि खुद के काम खुद करने वाला। प्रतिकार शक्ति एक ही शब्द बोलेंगे, उसका अर्थ होता है कि विरोध करने की क्षमता होने वाला, है ना, इस तरह से। बच्चों, प्रश्न चौथा आपको दिया हुआ है कि व्यायाम न करण्याचे तोटे लिहून आकृति पूर्ण करा, यानी व्यायाम न करें तो उसके क्या क्या नुकसान है, तोटे यानी नुकसान, उसको आकृति में, आकृति का
के अनुसार पूरा कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे पहला, इसमें चार पॉइंट आपको लिखना है। सात्विक जेवण ही विकारी होते वो शरीराला मारते। अब यहाँ पे भिकारी लिखा है ना, ये भ की जगह व करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे, गलती से हो गया है, यहाँ पे आपको विकारी लिखना है, विकारी होते, ठीक है। तो विकारी होते यानी खराब हो जाता है शरीर में। सात्विक भोजन भी आप खाएंगे और व्यायाम नहीं करेंगे तो वो अन्न जो है शरीर के लिए विकारी हो जाता है, उससे कई तरह की बीमारियाँ फैलती है ना। वह सहज अन्न पचन होत नहीं, और सहज यानी सुचारू रूप से इजीली अन्न पचन नहीं होता, खाना नहीं पचता। दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, रक्त व्यवस्था सुचारू रहत नहीं, यानी रक्त का बहाव जो हमारे शरीर में एकदम व्यवस्थित होना चाहिए वो नहीं रहता। अगर हम व्यायाम न करें तो हमारे जो स्नायु होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और उसके कारण रक्त संचार जो है वो सही नहीं होता, वो अंगत जड़त्व होते येते, और इसी से हमारे शरीर में जड़त्व निर्माण होता है, चर्बी बढ़ती है, स्थूलपना बढ़ता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, स्नायु अशक्त होता, तो और हमारे जो स्नायु होते हैं वो अशक्त हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, आणि माणसाचे आयुष्य कमी होते, और इसी कारण मनुष्य जो है अल्पायुषी हो जाता है, उसकी उम्र कम हो जाती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, वात कफ व पित्त शरीराला जीर्ण करतात। वात कफ और पित्त ये तीनों चीज़ें हमें व्यायाम न करने से हमारे शरीर में होती है और इससे हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, अतिशय कमजोर या जर्जर हो जाता है। आगे हम देखते हैं प्रश्न 5, व्यायामाचे महत्व तुमच्या शब्दात लिहा। हम व्यायाम के महत्व को इस तरीके से लिखेंगे, व्यायाम करणे शरीरासाठी उत्तम असते, यानी एक्सरसाइज करना शरीर के लिए कभी भी अच्छा होता है। व्यायाम आपल्या शरीराचे मित्र आहे, व्यायाम हमारे शरीर का अच्छा दोस्त है। व्यायाम केल्यामुळे अग्निदीपन चांगले होते व अन्न सहजपणे पचते, यानी व्यायाम करने से हमारे शरीर में जो अग्नि जलती है पेट में वो अच्छे से जलती है, और उसके कारण जो भी हम खाना खाते हैं वो एकदम अच्छे से पच जाता है, शरीराचे जड़त्व दूर होते, शरीर का जो भारीपन है वह दूर हो जाता है, रक्त व्यवस्था उत्तम रहते, और रक्त संचार ब्लड फ्लो जो है वो हमारे बॉडी में खूब अच्छे से होता है, आणि बौद्धिक क्षमता वाढते। अगर हमारे बॉडी में जो रक्त संचार है वो अगर उत्तम तरीके से होगा तो हमारे मस्तिष्क तक जो ब्लड है वो बड़े आसानी से और अच्छे से पहुंचता है, जिसके कारण हमारी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। व्यायाम केल्याने स्नायु सशक्त होतात, हमारे जो भी नसें हैं वो व्यायाम करने से सशक्त हो जाती है। मानव दीर्घायुषी हो तो मनुष्य ज़्यादा उम्र वाला, लंबी उम्र वाला होता है, उसकी उम्र लंबी हो जाती है, आणि प्रतिकार शक्ति वाढते, और हमारे शरीर में बाहर से आने वाले जो भी जर्म्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, उनसे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में बढ़ जाती है, शरीराला स्फूर्ति मिलते, और हमारे शरीर को स्फूर्ति मिलती है ना, ताज़ापन लगता है, व कार्य करण्यासाठी नवीन ऊर्जा प्राप्त होते, और कोई भी कार्य करने के लिए हमारे बॉडी में नई ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, म्हणून सर्वांनी व्यायाम आवश्यक केले पाहिजे। इसीलिए सभी ने व्यायाम अवश्य करना चाहिए, आवश्यक नहीं, अवश्य करना चाहिए, है ना, अवश्य केले पाहिजे, इस तरीके से आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, व्यायामाने अंगी वाढे स्फूर्ती कार्य करण्याची, या पंक्तीतील तुम्हाला समजलेला अर्थ लिया, यानी व्यायाम करने से शरीर में स्फूर्ती बढ़ती है किसी भी कार्य को करने की, इसे समझाइए। उत्तर में लिखेंगे, व्यायाम केल्याने अन्न सहज पचते आणि शरीरात रक्त व्यवस्था उत्तम राहते। व्यायाम करने से खाया हुआ खाना अच्छे से पच जाता है और शरीर की रक्त व्यवस्था यानी रक्त संचार अच्छे से होता है, त्यामुळे माणसाची बौद्धिक क्षमता वाढते, और उसी कारण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता जो होती है सोचने समझने की वो बढ़ जाती है, वो त्याचे स्नायु सशक्त होतात, और उसकी नसें स्नायु जो होता है वो सशक्त हो जाता है। व्यायाम केल्याने प्रतिकार शक्ति वाढते, हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, आणि अंगी स्फूर्ति संचारते, शरीर में स्फूर्ति आती है, त्यामुळे कुठलेही काम आळस न करता पूर्ण होतात, और उसके कारण कोई भी कार्य बिना आलस के मनुष्य पूरा कर देता है, वो नवीन नवीन कार्य करने की प्रेरणा मिलते, जब मनुष्य तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा, तो उसे नए नए कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहती है।
आपको लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आरोग्यम धन संपदा या उक्तीतील विचारांचा विस्तार करा। यानी आरोग्य जो है, आरोग्यम धन संपदा, यानी आरोग्य ही सबसे बड़ी संपदा है, सबसे बड़ा धन है मनुष्य का। इस उक्ति में का आपको क्या अर्थ समझ में आया, विचार समझ में आया, वह लिखिए। तो हम लिखेंगे, आरोग्य है माणसाचे सर्वात मोठे धन आहे। आरोग्य मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। आरोग्य उत्तम आयुष्याची गुरुकिल्ली आहे। यानी निरोगी मनुष्य अगर रहे तो वही तो उसके बहुत अच्छे आयुष्य की, बहुत अच्छे जीवन की गुरुकिल्ली है। माणसाचे आरोग्य चांगले असले तर तो सुखाचे आयुष्य जगू शकतो। मनुष्य का अगर स्वास्थ्य उत्तम हो तो वह सुखी जीवन जी सकता है आणि सर्व प्रकारचे आनंद उपभोगू शकतो और सब प्रकार के आनंदों का उपभोग अपने जीवन में कर सकता है। आरोग्य साथ देत नसेल तर पैसा असूनही तो कुठल्याही उपयोगी पडत नाही। अगर हमारा आरोग्य, हमारी तबियत ही हमारा साथ नहीं दे रही हो तो फिर कितना भी पैसा हमारे पास हो वो हमारा साथ नहीं देता, वो हमारे किसी भी उपयोग में नहीं आता। कहते हैं ना बच्चों कि पैसा जीवन को नहीं बचा पाता है, हमारे हाथ में हमारे जीवन को बचाना होता है। हम अच्छे से हमारा खान पान रखें, व्यायाम रोज करें तो हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। आगे देखते हैं, माणसाचे आयुष्यातले चांगले दिवस सर्वांसोबत सुखात राहण्याऐवजी डॉक्टरांचे चक्कर लावण्यात जातात। अगर मनुष्य बीमार हो जाए तो उसका जीवन जो है लोगों के साथ, सबके साथ मिलजुल कर अच्छे से रहने में, घर परिवार में अच्छे से रहने में नहीं बल्कि डॉक्टरों के चक्कर लगाने में ही चला जाता है। म्हणून सर्वांनी रोज थोड़ा वेळ तरी व्यायाम करणे आवश्यक आहे और इसीलिए सबने रोज थोड़ा थोड़ा तो व्यायाम कम से कम करना ही चाहिए। आरोग्य चांगले असेल तर आपले मन ही प्रसन्न राहते। अगर हमारी तबीयत अच्छी होगी तो हमारा मन भी प्रसन्न रहता है, वो जीवनात उत्साह राहतो, उससे हमारे जीवन में उत्साह का निर्माण होता है। नवीन कार्य करण्याची इच्छा होते, नए काम करने की इच्छा होती है व श्रीमंतीचा चांगला उपयोग करता येतो। और हमारी जो श्रीमंती रहती है यानी हमारे पास जो धन दौलत रईसी रहती है उसका हमें अच्छा उपयोग करते आता है। विद्यार्थी, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि मिल बांटकर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता बच्चों। इसलिए मिल बांटकर जरूर से पढ़िए, इस बात को आजमाकर जरूर से देखिए। मिलती हूँ आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।